अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं करीमाबाद यानी कि मीना बाज़ार, और उसके बाद हम जाएंगे हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, और वहां हमने क्या क्या किया वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी, तो साथ बने रहिएगा। और ये देखें, हम करीमाबाद पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट। यहाँ देख रहे हैं अभी चांद रात की मैंने वीडियो जो आप लोगों से शेयर की थी, तो यहाँ पर कितना रश हुआ करता था, और आप ये देखें बिल्कुल खाली पड़ा है। तो जी, अब हम पहुंच चुके हैं हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट पे अपने काम निपटा के। तो यहाँ हमने सबसे पहले ट्राई करना था कॉर्न डॉग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो चलें जी ट्राई करते हैं और आप लोगों को उससे भी रिव्यू शेयर करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस कार्ट पर। एक छोटा सा कार्ट लगाया हुआ था इन्होंने, मुझे लगा कि एम ही होगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। और इतना कोई रश देखने के बाद मुझे लगा कि हमें इसको ट्राई करना तो बनता है भाई। तो चलें इसकी मेकिंग देखते हैं। ये देखें जी, इसकी मेकिंग में कुछ ख़ास नहीं था। इन्होंने एक क्यूब लगाया था चीज़ का और एक सॉसेजेस, एक क्यूब और एक सॉसेजेस। उसके बाद अगेन इन्होंने चेडर चीज़ जो थी उसकी कोटिंग की, और कोटिंग करने के बाद ये देखिए यहाँ पर यहाँ बन रहे थे और आगे जो है वो फ्राई होके सर्व किए जा रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर, नहीं पहले ये इन्होंने खमीर आटा टाइप बनाया हुआ था ये, कोई देखें मैंने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, ये इन्होंने खमीर कोई बनाया हुआ था मिक्सचर जैसे, और उसके बाद ये इन्होंने इसको कोट किया है। उसके बाद इन्होंने ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर किया है डीप फ्राई। ये देखिए यहाँ पर ये बना बना के रख रहे थे, और उसके बाद यहाँ देखें ये डीप फ्राई हो रहा है यहाँ पर सर। और मुझे कोई मतलब वैसे नहीं लगा कि यहाँ इन्होंने बहुत मैस क्रिएट किया हुआ, ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था, सादा सा था, लेकिन बहुत अच्छा था। अब उसके बाद सर्विंग की जा रही है। यहाँ इन्होंने स्पाइसेस डाले थे आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा खाना है वैसे। उसके बाद मायो डाला था, और ये मस्टर्ड पेस्ट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर, और अगर नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं चिली सॉस। इसके बाद ये हमें सर्व कर दिया गया था, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, रश तो देखने हैं आप। मुझे था कि बस एम ही होगा कुछ नहीं, पर मुझे जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ यार रश जो है वो बनता है भाई। चलें जी, ये आप लोगों से मैं शो करती हूँ। आ गया जी हमारा, अब इसको आ गई है टेस्ट करने की बारी। जब मैंने टेस्ट किया, ओफ ब्लॉसम, जैसे चीज़ का एक मुंह में ब्लास्ट हुआ हो। और चीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की थी इन्होंने। ये देखिए लोडेड है चीज़, लोडेड है, बहुत ज़्यादा लोडेड है चीज़। ये मरीशा ने भी ट्राई किया हम लोगों को देखने के बाद। सॉस इसके मुंह में आया तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बाद तो इनको बार बार खाना था। ये देखिए अभी मैं दोबारा शो करती हूँ आप लोगों को कि मरीशा कैसे खा रही थी। ये कोई बहुत मज़े का था, ज़रूर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आइएगा। उसके बाद हम निकले थे पान खाने। ये देखिए जी, यहाँ तो दुल्हन की तरह भाई पान को सजाया जा रहा था। मैंने कहा वाह भाई, ऐसे भी पान को सर्व किया जाता है। उसके बाद यहाँ बराबर में हमें ये कुछ डिफरेंट दिखा स्पाइसी लिमका के नाम से। ये देखें, ये हमने ट्राई किया और इसकी मेकिंग देखी। शुगर सिरप था, लेमन सिरप था, और एक और इन्होंने ये डाला था इंग्रेडिएंट, जो कि इन्होंने बताया नहीं था कि क्या है। उसके बाद इन्होंने ये धनिया और पुदीने की चटनी थी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट था, और ग्रीन पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट था, ये ग्रीन चिली पेस्ट डाला इन्होंने। ये देखिए, और उसके बाद इन्होंने डाला है नॉट बट हीरो इंग्रेडिएंट है इस डिश का ग्रीन चिली। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्का सा स्पाइसी था, टेंगी था। देखें अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया इसको देख के, बहुत अच्छा था, चिल था एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका लोकेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसकी लिंक। ये देखिए सोडा, और उसके बाद इन्होंने सर्व किया था इसको मिंट लीव्स और लेमन स्लाइस के साथ। ये देखिए
पर ये अगर मिंट इसको ना थोड़ा सा क्रश करके डालते ना तो ज़्यादा बेटर टेस्ट आता। ये सिर्फ ऊपर से आ रहा था तो इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं था मिंट का, लेकिन अगर ये क्रश कर देते इसी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। पुदीना और हरा धनिया तो इन्होंने डाला था, लेकिन इस फ्रेश मिंट की बात ही अलग होती है। ये जी आ गया है, रेडी हो गए। तो जी ये हम कर रहे हैं ट्राई, मुझे तो बहुत पसंद आया और इन्हें भी बहुत पसंद आया था। उसके बाद हमने ली है फ्राइस वरीशा के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ें खाई और वरीशा को कुछ ना खिलाया तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। और उनके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ थी वो, जो कि था फ्राइज। और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।